वेरी गुड इवनिंग टू यू स्टूडेंट्स आज आप नीट 2020 में अपीयर हुए हैं आज 13 सितंबर है और आज का जो एग्ज़ाम था अभी एक डेढ़ घंटा हो गया है हम पेपर को एनालाइज कर रहे थे पेपर जो था वो इजी था इजी था लेकिन साथ ही साथ में क्वेश्चन जो थे कंसेप्चुअल थे मेरे हिसाब से बायो में 90 परसेंट से ज्यादा क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे सीधे सीधे वाले बहुत कम थे और बेस्ट पार्ट था आज के पेपर का कि मैच दी फॉलोइंग बड़े कमाल के थे ऐसे मैंने मैच द फॉलोइंग पहले कभी नीट के पेपर में नहीं देखे एक चीज आपको आती है ना बिल्कुल क्लियर उसी से पूरी की पूरी सोल्यूशन ग्रेड सॉल्व हो जा रही थी तो हम पहले पेपर के सारे नाइन्टी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद पाँच मिनट के अंदर मैं आपको पेपर का एनालिसिस बताऊंगा ठीक है so, सो बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोड नंबर H3 थ्री यही हमें सबसे पहले अवेलेबल हो पाया है नाउ लेट्स सी इसमें क्वेश्चन नंबर 46 से 135 तक है तो पहले हम 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर दो मिनट का ब्रेक लेंगे फिर रिमेनिंग uh, 45 The ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ plant शोज फॉलोइंग anatomical फीचर्स लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल sheath. ये तो पहले ही ऑप्शन से लग गया आपको पता है कि जब आप मोनोकॉट स्टेम बनाते हो तो उसमें वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं किनारे पर बड़े वैस्कुलर बंडल्स होते हैं बीच में छोटे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं और इसमें पिथ नहीं होती तो ये तो मोनोकॉट स्टेम हो गया लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरनकैमेटस ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता और बड़े बड़े पैरनकैमेटस सेल से बना होता है मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड क्लोज सिंपल क्लोज का मतलब है कि उसमें केम्बियम नहीं है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें नहीं होती वो मोनोकॉट मोनोकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट होता है तो डाइकॉट वाले तो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे अब मोनोकोट स्टेम मोनोकोट रूट फ्लोएम पेरेंकाइमा एब्सेंट फ्लोएम पैरेंकाइमा किसमें एब्सेंट होता है फ्लो फ्लोएम पेरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम राइट तो आपका बेस्ट आंसर होगा सेकेंड वन ये क्वेश्चन सिंपल था नाउ प्लांट एंड आर्थमी से दो ही क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 47 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाययूरेसिस बेटा ये मैंने आपको पढ़ाया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन में डाय यूरेसिस का मतलब होता है यूरिन का ज्यादा जा, जा, पास होना और हमें क्या करना है वी हैव टू प्रिवेंट डायूरेसिस यस डाईसिस का मतलब मोर यूरिन तो टू प्रिवेंट प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए आपको दो कंडीशन होनी चाहिए ठीक है क्या कि जो एडीएच है दैट इज एडीएच एडीएच हॉर्मोन और एल्डोस्टेरोन दोनों को इंक्रीज होना चाहिए एंड एल्डोस्टेरोन मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं शुड इंक्रीज इसका लेवल बढ़ना चाहिए अब इसमें लिखा है ये गलत है डिक्रीज नहीं उसको करने के लिए यहां पर इसका इंक्रीज होना जरूरी है अगर इसको प्रिवेंट करना है क्योंकि जब डिक्रीज होगा तो ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है तो वो इंक्रीज होगा तो गलत है दिस इज फॉल्स नाउ मोर वाटर रीऑब्जॉर्ब ड्यू टू अंडर अंडर सिक्रीशन ऑफ ए डी एच ठीक है वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो urine due to under secretion of ADH, ADH secretion ज्यादा यूरिन आएगा ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ ए डी एच नहीं ए डी एच का सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो ये अंडर सिक्रीशन नहीं आना चाहिए था यहाँ आना चाहिए था ओवर सिक्रीशन इसलिए ये भी गलत हो गया रीअब्सॉर्सन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल टिब्यूल ड्यू टू एलडोस्ट्रॉन हमने पहले कंडीशन क्या रखी थी एल्डोस्ट्रॉन भरना चाहिए तो एल्डोस्ट्रॉन के कारण सोडियम और वाटर का रीअबॉर्बन होता है आगे आंसर तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है दिस इज द आंसर एट्रियल ने फैक्टर माने ए एन एफ बेटा ये जो ए एन एफ है ये क्या करता है इट इन इनिबिट रास सिस्टम ठीक है इट इनिबिट्स रास और रास की फुल फॉर्म होती है एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम अब ये जो रास होता है ये क्या करता है इट एक्चुअली ये इसको इनिबिट कर देता है तो इससे डायूरेसिस बढ़ जाता है यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता बेस्ट आंसर कम्स आउट टू बी थर्ड वन ठीक है फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी प्लाज e. e. को यूज किया था इन मैन इंसुलिन इज इन सिंथेसिस प्रो इंसुल प्रो एनजाइम क्या होते हैं ये इन एक्टिव फॉर्म में होते हैं और फिर एक्टिव फॉर्म में टर्न होते हैं जैसे प्रो इंसुल में ए पैप्टाइड बी और सी तीनों होती है जब उसका मैचुरेशन होता है जब वो इंसुलिन बनता है तो सी पेप्टाइड टूटकर अलग हो जाती है और ए और बी आपस में कैसे जुड़ जाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से तो ये भी ट्रू है द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल सी पेप्टाइड ये मैंने आपको बता दिया ये भी ट्रू है द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक टूगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये गलत है जो दोनों पेप्टाइड्स होती हैं हमने बनाई थी ये ए होती है फिर देन ये बी होती है और ये किससे मिलकर जुड़ी होती हैं पेप्टाइड है तो जब सी हटती है तो ए और बी के बीच में क्या बन जाते हैं डाई सल्फाइड ब्रिजेस तो ये फॉल्स है और आपको नॉट करेक्ट पूछा था तो फोर्थ इज दी बेस्ट आंसर राइट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी ज्यादातर क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग है तो अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं तो आपके लिए इसमें से 360 में से 350 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वॉज डिसअप्रूव्ड बाय इसके लिए ये सीधा सीधा आंसर है कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर इन्होंने एक लॉ दी थी दैट इज नोन एज बायोजेनेटिक लॉ ठीक है और इस बायोजेनेटिक लॉ ने किसको डिस्प्रूव किया था एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन ओपेरिन हेल्डेन का आपको पता है एल्फ्रेड वैलेस की थ्योरी आपको पता है चार्ल्स डार्विन का आपको पता है तो बेस्ट आंसर इज सेकेंड डायरेक्ट आंसर चलिए वापस से आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पर गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम ये जो गॉबली गॉबलेट सेल्स हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं दीज आर यूनिसेलुलर और क्योंकि ये मैंने आपको हिस्टोलॉजी में बताया था और ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था ये यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर सेल्स का मतलब है इसमें इपिथिलियल है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में होते हैं तो ये सिंपल होंगे पहली बात तो सिंपल uh, सेल्स होंगे और इपिथिलियल सेल्स होंगे क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं ये लाइनिंग फॉर्म कर रहे हैं तो ये कंपाउंड नहीं होते हैं ये स्क्वायमस नहीं होते हैं कॉल्यमनर ये तो वैसे डायरेक्ट आंसर है ठीक है कोंड्रोसाइट जो होते हैं ये किस में होते हैं बोन्स में कार्टिलेजिस में तो आपका आंसर हो गया सेल्स राइट नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ई सी जी रिप्रेजेंट अब आप एक जी बनाते हो यह तो हमने बहुत अच्छे से ECG है। तो ई सीजी में ये इस तरह का जो है टी वेव है। है? तो जो पी होता है पी इज एक्चुअली एट्रियल डी पोलराइजेशन एट्रियल डी पोलराइजेशन राइट क्यू आर एस जो है ये क्यू आर एस इतना दिस इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और टी जो होता है दैट इज वेंट्रिकुलर तो ये तो डायरेक्ट है तीनों का मतलब आपको बताया था तो क्यू आर एस पूछा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू इन लाइट रिएक्शन ये तो बहुत सिंपल है सबसे पहले पी एस सेकेंड होता है इससे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होता है और जाता एफ एस से एफ <coughs> एस से जाता है फेरीडॉक्सिन पर फेरीडॉक्सिन से जाता है प्लास्टोन पर. पर तो यहां प्लास्टोक्यूनॉन पूछा है ठीक है प्लास्टोन से फिर जाता है साइटोक्रोम बी सिक्स पर साइटोक्रोम बी सिक्स से जाता है साइटोक्रोम एफ पर साइटोक्रोम एफ से जाता है प्लास्टोसाइनिन पर और प्लास्टोसाइनिन से जाता है फिर पी वन पर पी वन से फिर वो फेयोफाइटिन याद आ गया सारी चीजें याद है तो इसमें पी किसे दे रहा है साइटोक्रोम बी सिक्स और साइटोक्रोम एफ कॉम्प्लेक्स राइट इसको दे रहा है तो पी एस टू से इसको देता है प्लास्टोन इसका मीडिएटर है तो आंसर होगा ये पी एस वन से एस पे नहीं साइटोक्रोम बी सिक्स से पी एस वन पर यहां पर कौन दे रहा है यहां पर दे रहा है प्लास्टोसाइन ना कि प्लास्टोक्यूनॉन तो हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन और यह मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था तो यह आपका डेफिनेटली ठीक होना चाहिए तो बेस्ट आंसर है सेकेंड वन राइट नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इट सेज the प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन catalyzed by nitrogenase इन रूट नोड्यूल्स ऑफ leguminous प्लांट ये नाइट्रोजिनेस क्या करता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है तो आपकी इक्वेशन क्या होती है नाइट्रोजन प्लस एट एट इलेक्ट्रॉन प्लस एट प्रोटोन याद आ गया ये और इसमें सिक्सटीन ए रिएक्ट करते हैं और आपको क्या मिलता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया टू एन है ना प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस निकलती है प्लस आपके एटीपी टूटा है तो एडीपी बनेगा और 16 मॉलिक्यूल ऑफ पीआई एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज बाय द इंजाइम नाइट्रोजिनेस ये मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था उसकी एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन था तो नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर अमोनिया एंड हाइड्रोजन अमोनिया भी निकलती है और हाइड्रोजन भी निकलता है तो इस इक्वेशन से यह आंसर हो जाता है नाइट्रेट अलोन नो अमोनिया एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं निकलती क्योंकि जो नाइट्रोजिनेस होता है वो तो अनबिक कंडीशन में एक्ट करता है और जब वो एक्ट करता है उससे पहले लेग हीमोग्लोबिन आता है जो ऑक्सीजन स्केवेंजर है और ऑक्सीजन को खा जाता है इसलिए ऑक्सीजन वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा सीधे सीधे इक्वेशन वाला है मैच दी फॉलोइंग मैंने आपको क्या कहा था मैच दी फॉलोइंग बहुत सिंपल है Zygotein. Zygotein में क्या होता है लेप्टोटीन जयटीन सिनापसिस तो इसका होगा फोर्थ पैकाइटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर थ्री डिप्लोटीन में पैकाइटिन uh, डिप्लोटीन में कैश मेटा अपियरेंस और डाइकनासिस में टर्मलाइजेशन फोर थ्री टू वन तो फोर वाला ऑप्शन ये है फोर थ्री टू वन वैसे एक आते ही अगर आप एक में भी कंफर्म्ड हो तब भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा क्योंकि इस बार इन्होंने आंसर ग्रिड ज्यादा जम्बल्ड नहीं बनाई है ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी मैच अगेन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ये भी बहुत सिंपल है देखिए देखो सबसे पहले इधर से चलते हैं ट्राइगोन ट्राइगॉन जो है वो स्टिंग रे है उसमें पॉइजनस ग्लैंड होते हैं टॉर्पीडो जो है वो इलेक्ट्रिक रे है ठीक है तो डी में आ जाएगा आपका वन है ना अब देख लो डी में वन दो में दे रखा है इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है ठीक है ना अब एयर ब्लैडर की अगर हम बात करें तो एयर ब्लैडर किस में होता है एयर ब्लैडर होता है बोनी फिशेज में माने ऑस्टीशाइट्स में क्यों क्योंकि ये जो बोनी फिशेज़ होती हैं अगर ये बहुत देर तक मेहनत भी ना करें अपने ये जो फिन्स होते हैं इनसे स्विम भी ना करें तो पानी में फ्लोट कर सकती हैं लेकिन जो कॉन्ड्री होती हैं ये अगर मेहनत नहीं करेंगी ये एकदम से स्विमिंग नहीं करेंगी तो डूब के मर जाएंगी ठीक है तो हेट्रोसि हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन हेट्रोसर्कल मैंने आपको डायग्राम बनाकर बताया था इसमें क्या होता है एक फिन जो होता है वो बड़ा होता है और दूसरा फिन जो होता है वो छोटा होता है इसको हेट्रोसर्कल कहते हैं मतलब अलग अलग टाइप्स के तो ये होता है कॉन्ट्रीशाइट में जैसे कि शार्क तो बी का आंसर हो गया थ्री और सिक्स टू फिफ्टीन पेयर ऑफ गिल्सलेट्स एक ही चीज बची है तो टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन दिस इज बेस्ट आंसर ठीक है इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यू कैरियोटिक सेल्स पॉलिजोम्स होते हैं पॉलीराइबोजोम ये केवल प्रो कैरियोटिक सेल्स में बनते हैं पॉलीजोम में एक एम आर एन ए पर चार या चार से ज्यादा राइबोजोम अटैच होते हैं तो ये तो वैसे भी प्रो कैरियो में होता है तो फॉल्स एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस खाली प्रोटीन ग्लाइको ग्लाइक ओनली प्रोटीन्स ये ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह नहीं या फिर स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम खाली लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल ये सब बनाती है यहां पर ऑक्जीजोम्स यहाँ पर फोटोरेस्पिरेशन होता है और ग्लाइक्लेट साइकिल होती है गोल्जी बॉडी इज दी बेस्ट आंसर ये सब आपको एक एक चीज लिखाई हुई है ठीक है और सबसे अच्छी बात है एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द 90 क्वेश्चंस मेरे लेक्चर नोट्स के बाहर से नहीं है दिस इज द बेस्ट पार्ट राइट नाउ मैच दी ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी बेसिलस थुरिंजियंसिस बेसिलस थुरिंजियंसिस से बीटी कॉटन बनता था कौन सा प्रोटीन होता है क्राई प्रोटीन तो ए का हो गया फोर्थ थर्मस एक्वेटिकस थर्मस एक्वेटिकस ये एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है जिसमें से एंजाइम

फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना था तो दिस इज सेकंड फोर थ्री वन टू यही बेस्ट आंसर है ठीक है तो मैच दी फॉलोइंग जल्दी करना चाहिए लेकिन बहुत हड़बड़ी में कई बार गलती हो जाती है तो इसलिए चारों की चारों मैच होने चाहिए ठीक है लेकिन अगर आप कि दो में बहुत अच्छे से कंफर्म है तो आपका आंसर डेफिनेटली ठीक हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय अब जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो दी थी सटन और बोवरी ने लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था टॉमस हंट मॉर्गन ने ठीक है बाय टेकिंग ड्रोसोफिलास्टर एज एस एक्सपेरिमेंटल मॉडल नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी मैच दी फॉलोइंग इनिबिटर ऑफ कैटेलिटिक एक्टिविटी देखो ये बहुत सिंपल है मेलोनेट क्योंकि याद है आपको हमने जब एंजाइम्स पढ़ा था तो सक्सीनेट को कौन इनिबेट करता था मेलोनेट है ना कॉम्पिटेटिव इनिबेटर पजेस पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होते हैं रिसिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है काइटिन फंगल सेलोलो कोलेजन प्रोटीन है फोर्थ सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई काइटिन और सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिसिन ये आपने चैप्टर में मैंने आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम लिखवाए थे तो टू फोर थ्री वन सॉरी कुछ गड़बड़ है टू फोर अच्छा आ, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए ये इधर शिफ्ट कर देते हैं है ना आपके आपकी क्वेश्चन पेपर में टू फोर थ्री वन तो ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है थोड़ा चेंज कर लीजिए क्योंकि अब भी पेपर आया है हमारे पास साढ़े पांच बजे और फटाफट इसको टाइप कराया तो थोड़ी सी ऑपरेटर से भी गलती हो सकती है क्योंकि प्रेशर होता है तो आंसर इज सेकेंड वन राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी बाइलेट्रली सिमेट्रिकल एंड ए सीलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाय अब हम क्या करते हैं एनालीडा जो होते हैं इसमें सिमिट्री कैसी होती है बाईलेटरल ठीक है सिमिट्री तो बाइलेटरल होती है लेकिन अगर हम सीलोम की बात करें तो दीज आर ट्रू सिलोमेट माने यू सीलोमेट तो ये तो आंसर हो नहीं सकता ठीक है फिर टीनोफोरा टीनोफोरा में कॉम जेलीज आती हैं ये होते हैं बाईलेट बाई रेडियल सिमिट्रिकल बाई रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और इसमें सीलोम नहीं होता तो ए सीलोमेट तो ये भी नहीं हो सकता में बाईलेट्रल सिमेट्री होती है लेकिन ये कैसे होते हैं ए सीलोमेट्स होते हैं ठीक है और एस्किल इनके अंदर सिमेट्री कैसी होती है बाई लेटरल अगेन लेकिन ये कैसे होते हैं इनमें फॉल सीलोम होता है ये मैंने आपको बताया था सीडोसिलोमेट एस्कैरिस ठीक है तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड क्योंकि दोनों चीजें मैच कर रही हैं ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन फ्लोरिडियन स्टार्च फ्लोरिडियन स्टार्च किसका रिजर्व फूड मटेरियल है रेड एल्गी का रोडोफाइसी जैसे जेलिडियम ग्रासिलारिया जिराटियम पॉलिसाइफोनिया

क्वेश्चन नंबर 63। इफ़ If the head of the cockroach is removed, it may live for few days because ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है कॉकरोच का जो न्यूरल सिस्टम होता है वो ज्यादातर हेड के बाद जो पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें प्रेजेंट होता है नीचे के हिस्से में इसलिए कॉकरोच का सिर काट भी दिया जाए तो वो पांच से सात दिन तक जिंदा रह सकता है राइट right? सो so,

अब ये जो ये जो एंजाइम है, है? क्या करता है? एक प्रो एंजाइम को हार्मोन में चेंज करता है तो ये जनरली क्या करता है ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है राइट पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में चेंज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमने पढ़ा था एच प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड अब प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड नहीं बनते हैं डाइजेशन में पॉलीपेप्टाइड तो लॉन्ग चेन होते हैं वो टूटते हैं तब वो प्रोटीन बनाते हैं ठीक है तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता केसिनोजेन इनटू केसिन ये काम जो करता है वो करता है आपका रेनिन ये चीजें सब मैंने आपको फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से समझाई थी तो बेस्ट आंसर कम्स आउट टू तो बी ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन ये काम है एंटरोकाइनेज का जिसको कौन सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस जिस कंपाउंड को आप कहते हैं ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर मैच दी फॉलोइंग कॉलम वापस से ही तो बहुत सिंपल है तो ऑर्गेन ऑफ कॉटाई तो ये अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं कनेक्ट्स मिडल ईयर एंड फेरिंग्स मिडिल ईयर और फेरिंग यूस्ट यूस्टेशियन ट्यूब है यहां पर बिल्कुल है तो यूस्टेशियन ट्यूब का हो गया वन तो सी में वन किसमें दे रखा है इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। टू सो बी शुड बी टू बैठ रहा है तो फिर अब दो ठीक है और तो किसी में है नहीं तो फिर ये देखते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है इट इज लोकेटेड ऑन देशनर मेम्रेन ठीक है ये मैंने आपको समझाया था तो here, ये बैलेंसिंग भी देता है तो इसलिए बेसलर मेम्ब्रेन का पार्ट है दिस फेनिस्ट्रा है याद ओवल विंडो से अटैच रहती है स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट ऑसिकल स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो डी का होगा थ्री फोर टू वन थ्री दिस इज बेस्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स आइडेंटिफाई दी रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से टेबल बनाकर बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ठीक है तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू इन एलवियोलाई फेवर दमेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन ये गलत है ऑक्सीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन एड हो रहा है तो क्या होना चाहिए

ऑक्सीजन ज्यादा होगी देन द ऑक्सीजन विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू कैन इंटरफियर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीम्लोब मैंने बताया था ना सीओ टू ज्यादा बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन के बाइंड में परेशानी आएगी सो दिस इज ट्रू क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं हाइयर प्रोटोन कंसेंट्रेशन या हाइड्रोजन एन कंसेंट्रेशन इन एलवियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन ये गलत बात है क्योंकि ये एल्वियोलाई में होता ही नहीं है इसका रिवर्स होता है वैसे भी लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन होता है तो ये फॉल्स हो गया और हमें गलत स्टेटमेंट देखना था तो आंसर इज फोर्थ वन नाउ क्वेश्चन नंबर इन वाटर वाटर लिली ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों प्लांट्स एक्वेटिक हैं लेकिन हमने पढ़ा था एक्वेटिक प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है दैट इज वाई हाइड्रोफिली लेकिन हाइड्रोफिली इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू थर्टी जेनर ऑफ प्लांट तीसरी रिस्ट्रिक्टेड है तो दैट इज वॉटरिया एंड वॉटर लिली इन दोनों में जो होता है दैट इज बाय बाय क्या यानी विंड और एंटीमोफिली इंसेक्ट तो डायरेक्ट है वाटर से नहीं होता है इंसेक्ट और विंड वॉटर करेंट ओनली नो विंड तो ठीक है लेकिन वाटर नहीं होना चाहिए बेस्ट आंसर इज सेकंड नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट ी टी कॉटन वैरायटी दॅट वॉज डेव्हलप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बॅसिलस सुरिजियन वो जीन कौन सा था क्राई जीन ना और क्राइजीन के से ये किसके लिए रेसिस्टेंट था बॉल वर्म कॉटन बॉल वर्म जो इंसेक्ट पेस्ट है सो आंसर इज इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट प्रिडेटर गलती से अगर आपने ये कंफ्यूजिंग के लिए दिया हुआ था हो सकती है गलती फंगल डिजीजेज नहीं है और प्लांट नेमाटोड्स के लिए तो क्या था आर इंटरफेरेंस याद आ गया और बाकी नहीं हो सकते आंसर इज टू कॉटन बॉल वर्म या स्टेम बोरर ऑफ मेस तो ये सब इंसेक्ट पेस्ट हैं ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा होना ये बल्कि क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया होता है तभी तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं तो दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स ये फॉल्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो ही ग्लूकोज की नई तरीके से सिंथेसिस में हेल्प करते हैं मैंने आपको बताया है ग्लूकागन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया ये गलत बात है ये जो ग्लूकागन है इट इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया याद आ गया हाइपरग्लाइसी हमने पढ़ा था इंसुलिन एक्ट्स ऑन पेनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स ये चीज मुझे गलत लग रही है क्योंकि जो इंसुलिन है ये एडिपोसाइट्स माने फैट सेल्स पर एक्ट नहीं कर सकता है ये और पैनक्रियाटिक सेल्स पर भी एक्ट नहीं करता है ये बेसिकली लिवर सेल्स पर एक्ट करता है ठीक है तभी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हैम्पर होता है तो दिस इज आल्सो फॉल्स बेस्ट आंसर कम्स आउट टू बी सेकेंड वन नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी आइडेंटिफाई दी बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम दी फॉलोइंग मुझे केमिस्ट्री वाले सर ने बताया है कि ये वाला सेम क्वेश्चन केमिस्ट्री में आया है तो ग्लुटामिक एसिड इसमें सी ओ एच ग्रुप ज़्यादा होता है एसिडिक ग्रुप तो ये तो एसिडिक है ठीक है जो टायरोसिन है ये एरोमेटिक है टायरोसिन फिनाइल एलालीन और ट्रिप्टोफेन ठीक है अब जो वेलिन है वेलिन में एक ही एनएसटू ग्रुप है और एक ही वो है सो दिस इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड तो आपका आंसर क्या हुआ लाइसिन क्योंकि लाइसिन में

फ्लिपर्स ऑफ penguins एंड dolphins आर examples ऑफ ये जो penguins होती हैं penguins penguins क्या हैं penguins आर बर्ड्स ठीक है लेकिन जो हैं dolphin क्या है फिश नहीं है दिस इज़ मैमल अच्छा penguins में जो फ्लिपर्स हैं और dolphins में जो हैं ये दोनों अलग अलग हैं तो इनका जो ओरिजिनेशन है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन एक ही है ठीक है स्विमिंग वाटर करंट को काटना तो ये क्या हो गया एनालॉगस माने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एडाप्टिव रेडिएशन तब होता जब ओरिजिन सेम होता फंक्शन डिफरेंट होता नेचुरल सिलेक्शन ये है नहीं क्योंकि दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का इससे कोई रोल नहीं है वो पेपर्ड मॉथ आपने पढ़ा था तो बेस्ट एग्जाम्पल इज आंसर इज थर्ड वन ना क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू बर्ड्स में जो फिन्स होते हैं वो पेल्विक गर्डल से सॉरी पेक्टोरल गर्डल से ओरिजिनेट होते हैं हैंड्स और वो प्रॉपर फिंस हैं ठीक है सेवेंटी टू फ्राम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर आपको मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट पता है जिन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बताया था तो उन्होंने दे प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स बाय मिक्सिंग दी फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क ये तो ठीक है टेम्परेचर क्या था 800 डिग्री सेल्सियस तो 600 वाला तो ना आप दोनों कट कर दीजिए अब आपके बचते हैं ये दोनों अब इसमें भी <coughs> ये जो है मीथेन और हाइड्रोजन और अमोनिया तीन चीज थी मिथ ये सी एस थ्री तो मिथाइल ग्रुप होता है तो गड़बड़ हो गया मीथेन है हाइड्रोजन है और ये है ये अमोनियम आयंस हो गए तो ये भी गलत हो गया वैसे भी गलत है और इनका रेशो क्या पड़ा था आपने मीथेन का टू पार्ट्स हाइड्रोजन मतलब वाटर वेपर का टू हाइड्रोजन का टू पार्ट और अमोनिया का वन पार्ट टू इज टू टू इज टू वन आंसर बिकम्स टू वैसे तो ये 800 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से ठीक हो जा रहा है क्योंकि इसमें तो आ, आ, ये फॉर्म्स ही गलत लिखी हुई है ठीक है ना ये इस तरह के क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है तो इसलिए अच्छा इस बार देखा जाए तो इवोल्यूशन से तीन क्वेश्चन आ गए हैं तीन चार क्वेश्चन हैं पिछले साल आ, दो ही क्वेश्चन तक पूछे जाते थे स्पेसिफिक ये क्वेश्चन ना बेटा अभी मैंने देखा था ये गलत टाइप हो गया है एक्चुअली ये कोड है H3 ये सीधा सीधा आंसर है पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है उल्टी सीधी एक जैसी तो आंसर होगा ये जी ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी लेकिन ये ना एच थ्री कोड में आंसर टू होगा क्योंकि ये वाली जो चीज है ये सेकंड नंबर पे दे रखी है ये जी जी ए नहीं ये भी जी जी ए नहीं जी ए ए टी टी सी और इसके ऊपर जी ए टी टी सी आना चाहिए था तो आप इसको यहां पर तो ये मार्क कर लीजिए लेकिन एच थ्री कोड में इसका आंसर सेकेंड है ये टाइपिंग एरर है ठीक है ये आ, थोड़ा ठीक होने में पॉसिबिलिटी नहीं थी नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेवेंटी फोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच निकोटीन स्ट्राइसिन एंड कैफिनूस बाई दी प्लांट ये हमने इकोलॉजी में पढ़ा था एडेप्टेशन वाले चैप्टर में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में कि कुछ प्लांट जो हैं वो ये टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाते हैं अपनी खुशी के लिए नहीं ताकि इनको ब्राउजिंग एनिमल्स इनके ग्रेज ना कर जाए चरने वाले जानवर या कीड़े मकोड़े इनको खा ना जाए तभी ये टॉक्सिम प्रोड्यूस करते हैं इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन नो न्यूट्रीटिव वैल्यू नो ग्रोथ रिस्पॉन्स नो डिफेंस एक्शन यस अपने बचाव के लिए अपने सुरक्षा के लिए राइट नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव दो तरह की डायबिटीज मैंने आपको पढ़ाई थी एक तो डायबिटीज मिलेटस पढ़ाई थी एक डायबिटीज इंसिपिटस पढ़ाई थी तो रीनल कैलकुलाई का मतलब होता है किडनी स्टोन तो किडनी स्टोन तो बिल्कुल भी नहीं होता ठीक है तो जहां पर भी रीनल कैलकुलाई है वो वाले आंसर जो है वो इसमें हो नहीं सकते बिल्कुल भी नहीं हो सकते ना फिर क्या होगा इसमें क्या होता है डायबिटीज मिलेटस में ज्यादा ग्लूकोज आता है यूरिन में तो उस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं है ग्लाइकोसूरिया है बिल्कुल है, है प्लस इसमें क्या होता है कि जो कीटोन बॉडीज होती हैं, वो ज्यादा ब्रेकडाउन होती हैं, तो ब्रेकडाउन होती हैं तो यूरिन में कीटोन का कंसेंट्रेशन बढ़ता है उसको आप क्या कहते हैं कीटो यूरिया तो कीटो यूरिया है कीटोनुरिया ये भी है लेकिन यूरिमिया नहीं होगा यूरिमिया का मतलब होता है यूरिया की कंसेंट्रेशन ज्यादा होना तो बेस्ट आंसर कम्स आउट टू बी फोर्थ वन और डायबिटीज मिलेटस भी मैंने आपको बताई थी दो तरीके की होती है इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इनडिपेंडेंट तो ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है लेकिन इस बार ऐसे बहुत ज्यादा घुमा फिरा के फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं है अगर आपने नॉर्मल भी पढ़ा होगा हर बार बाईस तेईस क्वेश्चन आते थे इस बार ही आए एनिमल फिजियोलॉजी से एन ने सोचा होगा MBBS में तो सब वही पढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगा इंटेस्टाइन का भी क्वेश्चन है जो सिंपल लार्ज इंस्टेस्टाइन के स्ट्रक्चर से आपका क्लियर हो जाता है ठीक है ना विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू फॉर फाइलम दा ठीक है इन यूरोडेटा नोटोकॉड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रजेंट थ्रू आउट द लाइफ क्या ये बात ठीक है नहीं यूरोडेटा में सिर्फ लार्वल स्टेज होती है तो दिस इज फॉल्स इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग दीरियड ओनली क्या ये बात ठीक है बिल्कुल ठीक है क्योंकि बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है बैकबोन में ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो हम बात कर रहे हैं कॉर्डेटा की यह बिल्कुल ठीक है डॉर्सल होता है हॉलो होता है और uh, ये है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में कैसा होता है सॉलिड होता है डबल होता है है ना और वेंट्रल होता है कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम कॉर्डेटा ट्यूनिकेटा एंड कॉर्डेटा ये गलत है कि किस किस में डिवाइड होता है ये दैट इज डिवाइडेड यूरो यूरोडेटा पहला ठीक है देन कॉर्डेटा दूसरा एंड द थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा तो ये जो है कॉर्डेटा ये तो बीच का लिंक होता है लेकिन ये ये सब इसमें नहीं आता है ठीक है तो ये हो गया फॉल्स हमें क्या ढूंढना था ट्रू तो बी एंड सी आर ट्रू सीधे सीधे राइट नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन क्यूबॉइडलियम विदेश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाय फाउंड ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है सेल्स तो हैं क्यूब जैसे हैं छोटे छोटे हैं लेकिन ब्रश बॉर्डर का मतलब है इनके जो मेमब्रेन है दैट इज फोल्डेड इन टू माइक्रोविलाय तो ब्रश बॉर्डर जो होते हैं ये किस लिए होते हैं माइक्रोविलाई ताकि सर्फेस एरिया बढ़े सर्फेस एरिया किसका बढ़े एब्जॉर्बशन का तो जो पार्ट इसमें से अब्जॉर्ब करेगा उसमें ये होगा यूस्टेशन ट्यूब ईयर के अंदर होती है मिडिल ईयर में लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन की लाइनिंग इसकी नहीं होती सलाइवरी ग्लैंड्स भी नहीं होते प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन का काम है यूरिन बनाना और जो पीसीटी होता है वो मैक्सिमम रीअब्सॉर्बेशन करता है उसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए तो बेस्ट आंसर कम्स आउट टू बी फोर्थ वन ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन क्लोस्टिडियम ब्यूटाइलिकम सिंपल ब्यूटायरिक एसिड ये तो ऑप्शन देखना ही नहीं माइक्रोब से इस बार दो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लोस्टीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड सेकेंड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये साइक्लोस्पोरिन ए ये क्या करता है साइक्लोस्पोरिन तो ट्राइकोडर्मा ये इससे वन uh, ठीक है एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट अटैक को रोकने के लिए क्लॉट uh, बस्टर की तरह मोनास्कस पर परपोरियस मोनास् परपोरियस इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोइंग लोअरिंग एजेंट स्टैटेंस बनाता है फोर्थ और एस्परजिलस नाइजर साइट्रिक एसिड टू वन फोर थ्री टू वन फोर थ्री थर्ड इज द बेस्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन्थ

इस बॉडी में ये जो है दिस इज न्यू सेलस ये दोनों जो है इन ये जो है चलाजा एंड दिस पॉइंट इज माइक्रोपाइल तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइलम ये मुझे लगता है सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस पूरे टेस्ट का राइट क्वेश्चन नंबर 81 वन दी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो अब राइबुलोस वन फाइव बिस्ट फॉस्फेट में अगर एक्ट करता है रुबिस्को और रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन और इस ऑक्सीजनेशन से बनते हैं दो चीजें कौन कौन सी चीजें बनती हैं एक होती है थ्री फॉस्फो गीसरेट और दूसरा होता है टू फॉस्फोगकोलेट ये टू कार्बन कंपाउंड है ये थ्री कार्बन कंपाउंड है याद है लेकिन अगर इसकी कार्बोक्सिलेशन होती है तो कैलविन साइकिल चलती है और क्या बनते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए तो हमें तो ऑक्सीजनेशन देखना है तो वन मॉलिक्यूल ऑफ फोर कंपाउंड तो कोई है नहीं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री कंपाउंड ये बनता है जब कार्बोक्सिलेशन होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन यही बेस्ट आंसर आएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो बेस्ट आंसर इज थर्ड वन राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 82 मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट ये तो बहुत सिंपल है इम्यून रिस्पॉन्स कौन देते हैं आपके लिंफोसाइट लिंफोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं बी लिंफोसाइट टी लिंफोसाइट ठीक है ना ठीक है देन आपका इोसिनोफिल्स ये रिलीज करते हैं क्या है? तो ये किसी भी इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं बेसोफिल्स तो क्या करते हैं न्यूट्रोफिल्स है. जो होते हैं ये क्या करते हैं ये फेगोसाइटोसिस करते हैं ये बिग ईटर्स होते हैं तो थ्री फोर टू वन थ्री फोर टू वन सो दिस इज बेस्ट आंसर एक ही बार में हो गया ना वन इसका है तो इस बार जो ये हैं मैच दी फॉलोइंग ये बहुत इजी आए हैं मतलब करने के लिए हमेशा ऐसे नहीं होता हमेशा आपको दो तो एटलीस्ट कंफर्म होने चाहिए इस बार किसी भी मैच दी फॉलोइंग में एक से ही काम चल गया विच ऑफ दी फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जब हमने ऐसे कर्व पढ़ा था आपको पता है ओव्यूलेशन फोर्टीन डे पर होता है चौदवा दिन पर होता है और ओव्यूलेशन के लिए एल जो होता है एलएच और दूसरा एफएसएच एफएसएच और जो एलएच होते हैं दोनों पीक पर होने चाहिए तो ऊपर वाला जो ग्राफ था जैसे ये 14th डे है ओव्यूलेशन कब होता है 14th डे पर तो एलएच और एफएसएच दोनों की दोनों हाई होते हैं तो लो कंसंट्रेशन ऑफ एसएच नहीं लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच नहीं अब प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन की बात देखते हैं इसमें क्या रहता है कि एक एक जो हार्मोन होता है वो ऐसे बढ़ा हुआ होता है और दूसरा जो हार्मोन होता है ये इस तरीके से होता है तो ये जो है दिस इज वाइट वाला इट इज प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है और ये जो पर्पल वाला है दिस इज एस्ट्रोजन तो आप इसको एस्ट्रोजन के हाई कंसनट्रेशन से रिलेट कर सकते हैं लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन का कंसनट्रेशन लो होता है ठीक है तो ये तो ऑब्यूलेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाया था तो ये आपको आना चाहिए ठीक है

तो ये फॉल्स है इंट्रापलरी प्रेशर इंक्रीजेस नहीं इंट्रापलरी प्रेशर डिक्रीज होता है तो so so ये फॉल्स है तो बेस्ट आंसर होगा ए एंड बी सो दिस इज सिंपल है में आपको बताया हुआ है नाउ क्वेश्चन नंबर इन विच ऑफ दायोज आर ट्रांसफर्ड बच्चे एम्ब्रायोज ट्रांसफर करने हमें ठीक है जो कंसीव नहीं कर सकती तो यह तो जी आई एफ टी ट्रांसफर है तो गैमीट बना है तो बना ही नहीं है और इंट्रा साइटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन तो यह नहीं हो सकता Zygote, अब Zygote, तो है नहीं ये एम्ब्रियो ही होगा यह और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर नहीं आ, ये होगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर

इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्लास ये तो मलेरिया की मैंने आपको लाइफ साइकिल पढ़ाई थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तो ये जब कौन सी इंफेक्शियस स्टेज होती है जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है दैट इज स्पोर ठीक है तो सीधे सीधे ये जो सारी हैं ये मॉस्किटो के अंदर ही रहती हैं हमारे अंदर स्पोरोजोइट वो करती है जो फिर लिवर में चली जाती है ना मैच दी फॉलोइंग ये तो बहुत सिंपल है प्लेसेंटा एंड्रोजन ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाइोट्रॉपिन ये प्लेसेंटा ये जो हार्मोन है ये सिक्रीट करती है ठीक है तो दिस इज क्वाइट सिंपल ये काफ़ी सिंपल है ठीक देन जोना पैल्युसुडा ये ओवम की लेयर है, ओवम की लेयर्स आपको पढ़ाई थी है ना ग्रैनुलोसा जोना पैल्यूसुडा बल्बो यूरेथ्रल ग्रैंड इनको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं और ये पेनिस का लुब्रिकेशन करते हैं ये सीमेंट में प्रेजेंट होते हैं होता ही है इसका सिक्रीशन लीडिक सेल्स मतलब इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिक्स ये टेस्टिस में होते हैं और एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं तो टू थ्री फोर वन तो फर्स्ट इज दी बेस्ट आंसर राइट नाउ क्वेश्चन नंबर एट्टी एट सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है थैलसीमिया क्या ये एक्सलिंग नहीं थैलसीमिया इज अटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन हिमोफीलिया लिंक्ड होता है फॉल्स फिनाइल ट्वेल्थ आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम नंबर इलेवन ये आंसर होगा दिस इज बेस्ट वन ठीक है सेल एनीमिया में आरबीसी सिकल शेप हो जाते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हर्डल आते हैं और सफोकेशन से चाइल्ड की डेथ हो जाती है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एडीनाइन डज नॉट पेयर विथ थाइमीन एडिनिन तो होता है और एडिनिन किससे होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर्स विथ थाइमीन टू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स एडिनिन पेयर्स विथ थाइमीन थ्रू वन थ्रू थ्री नहीं ये तो सिंपल मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दी मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन दी एनिमल सबसे सिंपल आंसर कोलाजन कोलाजन सबसे ज्यादा होता है इंसुलिन तो पेनक्रियास बनाता है कम बनाता है हीमोग्लोबिन ये पिगमेंट है ठीक है और आयरन इसका वो है एंड लेक्टिन लेक्टिन भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा होता है कोलाजन ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा था और उसमें भी पढ़ा था हमने एनिमल किंगडम में ठीक है सो स्टूडेंट्स अब एक छोटा सा वाटर ब्रेक ले लेता हूँ आप कहीं जाइएगा नहीं रिमेनिंग 45 फाइव क्वेश्चन हम फिर करेंगे ठीक है सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक और हम पढ़ते हैं हम करते हैं आगे के रिमेनिंग फोर्टी फाइव क्वेश्चन डिस्कस क्योंकि एक बार इतनी जल्दी टाइप नहीं हो पाए थे ना अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन से वन थर्टी फाइव थोड़ा जल्दी करेंगे और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलर एलगी जैसे क्लोरेला क्लोरेला को अब प्रोटिस्टा में रखा गया है पहले वो यूनिसेलर एलगी थी स्पायरुलना इस्पायरोलिना भी जो है ये यूनिसेलर uh, है और स्पायरल है तो ये तो ठीक है िया और सार्गेसम ये मल्टी सेलुलर ब्राउन एलगी हैं तो ये दोनों नहीं होंगी जेलिडियम ग्रेसिलारिया रेड एलगी है मल्टी ये भी नहीं होगी एनाबीना साइनोबैक्टीरिया है लेकिन एनाबीना क्या होता है एक फिलामेंट के फॉर्म में बहुत सारे सेल्स रहते हैं और वॉलवॉक्स जो है, है तो यूनिसेलर ये ठीक बात है ग्रीन एल्गी है लेकिन कॉलोनियल है तो यूनिसेलर तो है तो इसमें इस तो ये तो बिल्कुल ही गलत है तो इसलिए इस, इन्होंने इसमें क्लोरेला को कंसिडर किया है भले ही उसको सिक्स किंगडम में प्रोटेस्टा में रखा है तो बेस्ट आंसर इज फर्स्ट वन राइट नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन इन साइड दॉलन ग्रेन इन साइड एंथर

बिल्कुल ठीक सो दिस इज वॉट दिस इज एबसेल्यूटली करेक्ट राइट तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या आएगा दैट विल बी ए एंडी ठीक बात है ना क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ड्यू टू द डिपॉजिशन ऑफ टेन रेजेंस ऑयल्स हार्ट वुड इज डार्क इन कलर अगर आप ये वुड बनाते हो तो इसमें जो ये बीच वाली होती है दिस इज हार्ट वुड हार्ट वुड मैंने आपको बताया था heart बीच में होता है और जो किनारे में जो light कलर की होती है ये सारी तो so, क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यूज तो मर जाते हैं ना ये डेड टिश्यू होता है दिस इज ट्रू सैप वु इज इन्वॉल्व इन दी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीव वेरी गुड ये सैप वु कंडक्शन का काम करती है ज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इट्स लाइटर इन कलर लाइटर इन कलर तो होती है लेकिन इनर मोस्ट नहीं होती पेरिफ्रल होती है आउटर मोस्ट होती है तो ये फॉल्स हो गया इसलिए आपका आंसर ये हो गया राइट नाउ क्वेश्चन नंबर नाइंटी फोर्थ बाय विच मेथड वॉज न्यू ब्रांड हिसा डेल रीनो रैम्स रैम क्या होता है एक है और फीमेल भेड़ है लेकिन इसकी ब्रीड्स अलग अलग हैं वो बिकानेरी है तो जब ब्रीड अलग अलग होती हैं उनको क्रॉस करके जो नई ब्रीड बनती है दैट इज नोन एज अ क्रॉस ब्रीड इन ब्रीडिंग नहीं है आउट क्रॉसिंग नहीं है म्यूटेशनल ब्रीडिंग नहीं है आउट ब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग क्या होती है अपनी चार पांच जनरेशन छोड़ के पेरेंटल जनरेशन से क्रॉस कराना ठीक है और इन ब्रीडिंग मतलब अपनी ही स्पीशीज में क्रॉस कराना तो आंसर है जो क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से कॉन्ट्रोवर्सियल है इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था ये आपकी सेल साइकिल है ऐसा बना हुआ है ये ऊपर वाला एम फेज है है ना और ये जो नीचे वाला पूरा है ये इंटरफेस है दिस इज द इंटरफेस और इसमें ये है जीवन ये है एस और ये है जी टू अब इसमें जो एग्जिट साइकिल है वो जीवन फेज स्टार्ट होते ही ऑनसेट होने के बाद यहां से ये चेक पॉइंट है और ये इनएक्टिव स्टेट में सेल्स जाते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन स्टेज एंड दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ एक्चुअली बहुत मेरी अभी बात हुई है अपने फ्रेंड से अपने कलीग से जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में बॉटनी पढ़ाते हैं हमारी इस क्वेश्चन पर अच्छी खासी डिस्कशन हुआ है तो मैं मैंने जितनी सेल बायोलॉजी पढ़ी है मेरे हिसाब से इसका आंसर एम फेज आना चाहिए क्योंकि ये एम यहाँ पर एंड हो रही है और जीवन स्टार्ट हो रही है और जीवन के ऑनसेट होते ही यहाँ से ये है इसमें एट दी एंड लिखा है लेकिन ये मुझे लग रहा है टेक्निकल एरर है तो मैं तो इसका आंसर सेकंड दूंगा लेकिन बहुत सारे फैकल्टीज ये कह रहे हैं सर कि जीवन के चेक पॉइंट पे आने के बाद सेल के पास दो ऑप्शन होते हैं या तो वो जीवन क्रॉस करके पूरी सेल साइकिल चलाए या वो एग्जिट करके जी जीरो में चला जाए तो वो लोग इसका आंसर जीवन दे रहे हैं तो अब एक्चुअली आज ही पेपर हुआ है अभी फिर हमें और मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा और मुझे कुछ लगेगा तो मैं आपको अपने कमिंग वीडियोस में इसको क्लियर कर दूंगा बट मेरे अकॉर्डिंग टू आंसर एम फेस होना चाहिए कुछ लोग इसको जीवन भी कह रहे हैं अब देखते हैं एनटीए क्या रिलीज करता है आंसर की तो इस क्वेश्चन पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं दैट दिस इज कॉन्ट्रोवर्सियल ठीक है तो एम या जीवन ये सी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट ठीक है तो मैं आपको ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा कि जिसमें डिलेमा हो ठीक है सो क्वेश्चन नंबर नाइनटी करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं इस तरीके से तो लास्ट पोर्शन से निकलती है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो स्टमक के पायलोरिक पार्ट से जुड़ा हुआ होता है फॉल्स इलियम ओपन इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम तो ये आ रही स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है तो इलियम तो इसका लास्ट पार्ट है ना और ये खुद कहां पर जाकर मिल रही है लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में यहां पर तो ये स्मॉल नहीं सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है दैट इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम सेकेंड दैट इज सिरोसा थर्ड लेयर जो होती है दैट इज सब म्यूकोसा और जो सबसे लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा जो फिर तीन लेयर्स में डिवाइडेड होती है ठीक है तो इसका यह भी गलत है इलियम इज हाईली कॉइल्ड इलियम बहुत कॉइल्ड होती है इसकी लेंथ होती है 3.25 मीटर 3.5 मीटर और इसका डायमीटर होता है 3.5 सेंटीमीटर इस इलियम के ऊपर होती है जेजुनम वो होती है 2.5 मीटर लंबी तो इलियम और जेजुनम हाईली कॉइल्ड होती है जबकि डिओडनम छोटी सी होती है सी शेप्ड या इन्वर्टेड यू शेप तो फोर्थ इज द बेस्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन Which of the following refer to correct examples of organisms which have evolved, which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic? इसमें पूरी कहानी इस शब्द पे टिकती है। Anthropogenic का मतलब human interference, Darwin finches ये तो ये क्या था? ये तो इनमें competition था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कॉम्पिटिटिव uh, एक्सक्लूजन को नहीं uh, बढ़ावा दिया कॉम्पिटेटिव को एग्जिस्टेंस कि अलग अलग खाना खा के अलग अलग टाइम का फोरिजिंग करके हम अपना जीवन जी लेंगे तो ये नेचुरल है उसके लिए मैं एन लिख रहा हूँ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड्स ये ह्यूमंस ने बनाई जेनेटिक इंजीनियरिंग से ड्रग रेसिटेंस यू कैरियोर्स ये भी ह्यूमन्स ने बनाए कुछ एनिमल्स बनाए कुछ प्लांट्स बनाए मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग्स तीन तो मेरे हिसाब से तीनों एनिमल क्रिएटेड हैं लेकिन डार्विन फिंचज नहीं है तो बी सी डी है ऑप्शन बीडी इज द बेस्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 98 व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग कॉलम्स मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन नाउ सबसे अच्छा पिट्यूटरी थायराइड एड्रिनल और पैनक्रियास तो जब आप इनकी बात करते हो तो जो ग्रेव डिजीज होती है ये थायराइड याद है बॉडी बॉडी आके दिखाई देने लगती है है क्या थायराइड बी का हो गया आपका 1 ठीक है देन आपका आता है पेनक्रियास ठीक है तो पेनक्रियास में दैट इज डायबिटीज ये आपको अच्छे से पता है इंसुलिन और ग्लूकागन से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं तो डी इज टू है ना पेनक्रियास बी एज वन एंड uh, टू तो अभी तो ये वाला ठीक हो रहा है फिर

कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है एड्स है सिफिलिस है सिफिलिस ट्रिपोनीमा पोलिटम पेलीडम याद है गोनोरिया है सिफिलिस है जेनिटल हर्पाइस है हर्पिस है गोनोरिया है मलेरिया नहीं है ये तो मॉस्किटो बाइट से होता है जेनिटल हर्पिस है एड्स है मलेरिया नहीं है फिलेरिया नहीं है फिलेरिया होता है वोकेरिया va बेनक्राफ्टाइस है तो आंसर हो गया आपका सेकेंड ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है राइट नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हंड्रेड नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन इन वन टर्न ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल में तीन बार तो एन एडीएस और वो कौन से स्टेप में होता है वो होता है वेन सक्सीनाइल को एनजाइम ए गेट्स चेंज टू सक्सीनेट सक्सीनिक एसिड ये भी फोर कार्बन कंपाउंड है यह भी फोर कार्बन कंपाउंड है यहां पर एक एक जो जो AD, है, है, है। है। और और ये ये में ये ये मिला मिला के से तो तो पूरी में ही बार होता है। तो answer is one. ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ठीक है हमें ये भी पता है कि एन ए डी एस टू स्टेप पर रिलीज होते हैं एफ ए डी एस टू किसके स्टेप पर रिलीज होते हैं एंड सो ऑन नाउ हंड्रेड एंड वन मोंट्रियाल प्रोटोकॉल वॉज साइंडीन एट्टी सेवन साइन तो एट्टी सेवन में हुआ था लेकिन इफेक्टिव कब हुआ था एट्टी नाइन uh, में एट्टी नाइन में एंड देट वॉज साइन फॉर एमीशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज रिलीज ऑफ ग्रीन हाउ इसके लिए हुआ था केोटोकॉल ये कब हुआ था नाइनटीन नाइन्टी सेवन में क्योटो जापान में और यह मॉन्ट्रियाल कैनेडा में हुआ था ठीक है ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसके लिए कोई नहीं हुआ डिस्पोजल और ई e वेस्ट के लिए भी नहीं तो ये दोनों आपको प्रोटोकॉल याद रखने हैं ये जब मैंने आपको एनवायरमेंटल इश्यूज बताए थे तब मैंने आपको बहुत बार बताया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो तो आपको याद रखना ही रखना है मैच दी फॉलोइंग ये तो सबसे ईजी है आयरन आयरन रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस लेकिन क्लोरोफिल में वैसे क्या होता है

यू नो करेक्ट ऑप्शन तो सबसे पहले बुक लंग्स ये मेरा फेवरेट है बुक लंग्स किस में होते हैं स्कॉर्पियन में ये मैंने आपको बताया था ठीक है रेस्पिरेशन में और ये जो लो, लोकस्ट होते हैं ये सोशल इंसेक्ट होते हैं ग्रिगेरियस गुच्छे में रहते हैं और पॉलीफेगस होते हैं पत्तों को खाते हैं तो फोर्थ तो ए का हो गया है फोर्थ और सी का हो गया है टू फोर एंड टू ठीक है बायोल्युमिनिशेंस बायोल्यूमिनिशेंस का मतलब होता है चमकना ग्लो करना डार्क में वो टीनोफोरा तीनों कॉम जेलीस में होता है थ्री ये भी ठीक है तो क्या बचा है आ, बी एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा एस टी आर एस माने स्टार फिश इसमें रेडियल सिमेट्री होती है आ, लार्वा में और जब बड़ा हो जाता है तो पेंटामेरस होती है तो बी का वन फोर वन टू थ्री दिस इज द बेस्ट आंसर मैच द फॉलोइंग सबसे सिंपल थे मजा आया करके फटाफट हो रहे थे बीस बीस सेकेंड के अंदर बारह सेकेंड के अंदर ठीक है नाउ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे में ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज टू मिलियन डायरेक्ट आंसर ठीक है रॉबर्ट मे ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा था आपने नाउ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड फाइव रे फ्लोरेट्स कहां पर होते हैं सनफ्लावर में अगर हाफ इंफीरियर ओवरी है तो हाफ इंफीरियर ओवरी का मतलब है जो आपका फ्लार है वो कैसा है पेरीगाइनस और मैंने आपको बताया था पेरी जो होता है वो रोजेसी फैमिली का वो है रोज प्लम पीच तो ये तो आंसर हो नहीं सकता अब इनफीरियर ओवरी जो है उसमें जो फ्लावर होता है वो होता है इपिगाइनस ये होता है सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स में और और गौ, कुकुम्बर में ठीक है अब सुपीरियर ओवरी अगर ओवरी ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर कैसा है हाइपोगाइनस और अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है इसके एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ चाइना रोज एंड ब्रिंजल और, और हाइपोगाइनस ओवरी करके कोई ओवरी नहीं होती हाइपोगाइनस तो फ्लावर होता है ओवरी सुपीरियर या इन्फीरियर होती है तो बेस्ट आंसर होगा सेकेंड वन नाउ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ये सारे मॉर्फोलॉजी के तो हमने बहुत अच्छे से करे हैं है ना सबसे अच्छी खुशी की बात क्या है कि पेपर एन सी बेस्ड था और हमारे लेक्चर्स में वीडियोस में से एक भी चीज़ बाहर नहीं आई और जो आपने मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जो दिया था उसमें से सारे क्वेश्चंस टचिंग हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे सामने जो भैया बैठे हैं जो वीडियो टीम्स हैं वो बता रहे हैं कि बच्चों के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं थैंक यू स्टूडेंट्स और बड़ा अच्छा लगता है कि अगर सब कुछ आपका पढ़ाया हुआ हो जैसे एक बार 2014 में दो तीन क्वेश्चन पढ़ाए हुए नहीं आए थे तो मुझे बड़ा अंदर से डिप्रेशन लग रहा था कि काश में ये पढ़ा देता तो बच्चों के सारे ही ठीक हो जाते राइट नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर जीरो पॉइंट थ्री फोर नैनोमीटर एंड दोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इतना है तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इतना है इस ये टू पावर नाइन है बेटा इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इफ यू मल्टीप्लाई सिक्स इन टू टेन टू दावर नाइन यू मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट थ्री फोर इन टेन टू दी पार माइनस नाइन क्योंकि नैनोमीटर का ये मतलब होता है, इससे ये गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर बैठेगा टू पॉइंट टू मीटर आप कैलकुलेट कर लेना ठीक है बहुत सिंपल है नाउ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड सेवन कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बी टी कॉटन डेफिशिएंसी ये जीन थेरेपी से रिलेटेड है नंबर वन आरएनए इंटरफेरेंस ये क्या है सेलुलर डिफेंस द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नेमाटोडल डिजीजेस पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इंफेक्शन बीटी कॉटन बेसिलसथूरजियंसिस फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री सेकेंड इज देश आंसर राइट नाउ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड एट ही सिंपल थी मैच द ट्रॉपिक लेवल विद करेक्ट स्पीशीज ग्रास जो होती है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होती है सी का फोर रैबिट ग्रास को खाता है दिस इज सेकंड ट्रॉपिक लेवल थ्री ठीक है रैबिट को क्रो और क्रो को वल्चर ठीक है तो बी का थ्री सी का फोर यही बैठ रहा है तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर हो जाएगा वल्चर और थर्ड पर हो जाएगा क्रो ठीक बात है तो सेकंड इज दी बेस्ट आंसर ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 109 मैच दी फॉलोइंग डिजीजेस विद देयर कॉजेटिव सबसे सिंपल टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी याद है साल्मोनेला थ्री निमोनिया का हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी फोर्थ फाइलेरियासिस का वौकेरिया बैनक्रोफ्टाई वन मलेरिया का प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू सीधे सीधे मैंने तो भी नहीं देखे पहले बिल्कुल और ये सब नाम मैंने आपको ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीज में याद करवाए थे द द द दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम अब आपको पता है जो मोनोकॉड्स होते हैं जिसमें राइस वीट या ग्रासेस उसमें जो प्राइमरी रूट होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती है प्राइमरी रूट डाई हो जाती है और बेस ऑफ स्टेम से जो रूट्स निकलती हैं उनको क्या कहते हैं फाइब्रस रूट्स तो लेटरल रूट्स तो

जो पहलीस होती है वो स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में लेकिन जब ये डिप्लोटीन में आती है ये फीमेल्स की बात हो रही है जब ये डिप्लोटीन में आती है तो ये यहाँ पर सस्पेंड हो जाती है याद है इट इज़ सस्पेंडेड इन द डिप्लोटीन अब जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है जब बच्ची बड़ी होती है तो जो प्राइमरी ऊसाइट है जो प्राइमरी ऊसाइट है वो बनाता है सेकेंडरी ऊसाइट लेकिन सेकेंडरी उस भी कौन से स्टेज में सस्पेंड हो जाता है मेटाफेस और वो भी कौन सा मेटाफेस मेटाफेस सेकेंड सस्पेंड हो जाती है फिर ये पूरी कब होती है ये पूरी होती है जब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एंड ओवम जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है Ovulation से पहले नहीं एट द टाइम ऑफ तो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ठीक है तो उस टाइम नहीं होता आफ्टर हंड्रेड एंड ट्वेल्व आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन ये क्वेश्चन ना ज, जैसी मैंने देखा मुझे लगा इसमें कुछ गड़बड़ है लेकिन ध्यान से देखने पे सही पता चला स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइन बाय डी एन ए लाइक एस ट्रू ईच रेस्ट्रिक्शन एंड दाइम फंक्शन बाई इंस्पेक्टिंग दी लेंथ ऑफ द डी एन ए सीवेंस सही बात है वो जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ वो डी एन ए है और मैं रिस्ट्रिक्शन एंड आएम हूँ तो पहले मैं घूमूंगा इसके ऊपर मैं देखूंगा मेरी रिस्ट्रिक्शन सिक्वेंस कहाँ है डबल स्टैंडर्ड डी एन ए पर इंस्पेक्ट करूंगा ट्रू कट दी स्टैंड ऑफ डी एन ए अब इसमें कट दी स्टैंड लिखा है मतलब सिंगल स्टैंड ये गलत है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डबल स्टैंड को कट करती है दिस इज फॉल्स दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग येस तो आपका रॉन्ग आंसर हो गया थर्ड वन ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड थर्टीन इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इको सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपको पता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉसेज माइनस करते हैं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी ये गलत है रिलेशन तो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन एनपीपी नहीं ज्यादा है तभी तो ये माइनस करके एनपीपी आ रहा है जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन एनपीपी यस जीपीपी एंड आर वन एंड द सेम नो बेस्ट आंसर इज थर्ड वन बहुत सिंपल है ठीक है ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज और एक्सपोनेंशियल को हम क्या कहते हैं लॉग फेज लैग में तो बहुत कम होती है सिनेस माने बुढ़ापे में भी कम होगी डोरमेंसी में तो सस्पेंड ही हो जाती है ग्रोथ तो बेस्ट आंसर इज सेकंड वन क्वेश्चन नंबर 115 दी सिक्वेंस डेट कंट्रोल दॉपी नंबर लिंक डी एन ए इन अ वैक्टर इज टर्म ड तो ये वैक्टर आपका प्लाजमेट है इस प्लाज्मिट में इसका जो कॉपी नंबर है कि एक बैक्टीरियल सेल में ये एक होगा दस से पंद्रह होंगे हंड्रेड से ज़्यादा होंगे कैसे होंगे तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस रीजन विच इज़ नोन एज ओर ओरिजन ऑफ रेप्लीकेशन इसके बाद यहां पर इसके रेप्लीकेशन को असिस्ट करता है प्रोटीन लेकिन कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन में हेलिक्स को खोलने के लिए कौन काम आता है जल्दी बोलिए अच्छा यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की बात करी भी है ठीक है तो हेलिक्स को खोलने के लिए ना ही हेलीकेस काम आएगा क्योंकि ये हेलीकेस डीएनए उसमें वो काम करता है देन डीएनए लाइगेस लाइगेस तो जोड़ता है डीएनए पॉलीमरेज भी नहीं दैट इज आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के टाइम अगर यहां पर रेप्लीकेशन होता तो क्या आंसर आता डीएनए हेलीकेस तो बेस्ट आंसर इज फर्स्ट वन आर पॉलीमरेज अगर यहां पर रेप्लीकेशन होता तब आता हेलीकेस राइट

Freezing of fluids in the eye no इन दी आई नो इन इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई यूवीबी रेडिएशन from snow? No. तो सीधा आंसर है थर्ड वन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड एस्ट्रॉब और कॉन्स आर फाउंड ये ना एनसीआर में एक फिगर बनी हुई है और वैसे भी हमने बताया टेरिडोफाइटा में होते हैं लेकिन ये ब्रायोफाइटा है बाकी ये तीनों टेरिडोफाइटा हैं. स्ट्रॉबेलाई और कोंस का आपको याद है इस तरह का डायग्राम बना हुआ है दिस इज इक्विटम हॉर्स टेल फर्न ठीक है आंसर इज वन डायरेक्ट है डायग्रामेटिक ठीक है नाउ अच्छा इस बार मैंने देखा पेपर में ना डायग्राम्स नहीं आए हैं जैसे हमेशा आते हैं मैच फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्लोटिंग रिप्स एक्रोमियन एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला और ग्लिनोइ कैविटी ये क्वेश्चन भी जो है दिस इज वेरी इजी और वेरी सिंपल ठीक है तो जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो कौन सी होती हैं दीज आर नंबर इलेवन एंड ट जो जुड़ी भी नहीं होती हैं तो फ्लोटिंग रिब्स का जो बेस्ट आंसर होएगा दैट विल बी डू नॉट कनेक्ट टू स्टर्नम ये यहाँ पर चेस्ट बोन से कनेक्ट नहीं होती हैं सो दिस इज फोर्थ ठीक है देन एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है दैट इज हाँ ये किस में होता है क्लेविकल इसकेविकल पड़ा था ना तो मेरे हिसाब से क्लैविकल आना चाहिए स्कैपुला लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स ठीक है सेकेंड और सेवंथ के बीच में होती है स्कैपुला पेक्टोरल गर्डल में तो इसका आना चाहिए वन और ग्लिनॉइड कैविटी ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस के हेड पर होती है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो सेकेंड फोर थ्री वन टू फोर थ्री वन टू दिस इज दी बेस्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड ट्वेंटी

तो ये नहीं ये नहीं ये नहीं दिस इज द फर्स्ट वन जो इंफ्लुंस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट है उनको हम कहाँ भेजते हैं कहाँ भेजते हैं इसमें एरेशन टैंक में तो ये नहीं हो सकता ये फ्लोटिंग डेबरीज को तो निकाल के फेंक देते हैं प्राइमरी स्लज नीचे बैठ जाता है तो बेस्ट आंसर इज फर्स्ट ये मैंने आपको पूरे चारों टैंक्स बनाकर पढ़ाया था है ना बोर्ड पर जबकि एनसीईआरटी में तो थ्योरिटिकल फॉर्म में है हमने चारों अलग अलग टैंक बनाए थे और उसमें क्या क्या होता है ये भी हमने बड़ा अच्छा सा तो डायग्राम बनाया था याद है

तो ये 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 भी ट्रू है। है, 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 गलत। जो 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 शुगर बनाती है, that is -glucosamine. Glucosamine. और ये जो IB बनाती और दिस इज डी गैलेक्टोस तो इनकी शुगर ही अलग अलग होती है तो ये फॉल्स है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था तो दिस इज दी बेस्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन अब एक ही टॉपिक से इस बार दो क्वेश्चन आ गए हाफ इंफीरियर जो ओवरी होती है वो आपके किसमें मिलती है दैट इज फाउंड इन प्लम पेरीगनस ये yes. और प्लम प्लम पीच और रोज में पेरीगैनस ब्रिंजल और मस्टर्ड इसमें सुपीरियर ओवरी होती है हाइपोगा इन्फीरियर ओवरी तो बेस्ट आंसर इज फर्स्ट एक और क्वेश्चन था मॉर्फोलॉजी में दो ही क्वेश्चन आए और दोनों खाली फ्लार से पूछ लिए इस बार ठीक है। है माने protein synthesis. तो protein synthesis में जो first stage होती टी आर एन ए की थ्री प्राइम साइड से जाकर क्या जुड़ जाते हैं अमाइनो एसिड उसको कहते हैं अमीनो एसाइलेन ऑफ टी आर एन एग ऑफ टी आर रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडॉन ये बाद में होता है एमआरएनए भी राइबोसोम से जुड़ता है डीएनए मॉलिक्यूल का रिकॉग्निशन भी होता है लेकिन सबसे पहले होता है अमीनोएसिलेशन ऑफ टीआरएनए राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 124 इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ बहुत सिंपल है क्या करते हैं हम उसमें ईटीबीआर इथीडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं और उसको जब अल्ट्रावाइलेट रेज में देखते हैं तो ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं इथीडियम ब्रोमाइड इन इन्फ्रा नो एसिडोकॉर्बिन नहीं इथीडियम ब्रोमाइड इन अल्ट्रावाइलेट रेडिएशन डायरेक्ट एसिडोकॉिन नहीं तो बेस्ट आंसर इज थर्ड वन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव डिसोल्यूशन ऑफ दिस दिनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग बहुत सिंपल है डिप्लोटीन आपको याद है लेप्टोटीन में बुके स्टेज होती है पतले पतले धागे जैसे क्रोवोदोम अटैचमेंट प्लेट पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर एक जगह चिपके रहते हैं पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है सिनेप्सिस तो बड़ी स्ट्रांग होती है जाइकोटीन में सिनेप्सिस होती है और यहाँ पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से ये बनता है लेकिन डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन जो है वो होने लग जाता है ठीक है ना लेकिन एक पॉइंट पर नहीं होता जिसको क्या कहते हैं मतलब जहां पर भी क्या होता है वहां पर नहीं होता बस तो बेस्ट आंसर इज डिप्लोटीन नंबर 126 ट्वेंटी सिक्स आइडेंटिफाई दी सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड होगा कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन ये डाइसेक्राइड है तो नहीं 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 पॉलीसेक्राइड है तो पॉलीसेक्राइड है तो इसमें होना चाहिए इन्युल स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है डहेलिया में तो याद रखना ये ठीक है काइटिन फंगल सेलुलोस है सेलुलोस तो इसमें भी होना चाहिए ग्लिसरॉल ये फैटी एसिड्स है तो यहां नहीं होगा इंसुलिन प्रोटीन है प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होगा कोलेस्ट्रॉल में नहीं होगा ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या है ट्रिप्सिन इज एन एंजाइमेटिक प्रोटीनेज हार्मोन इसमें होगा लेसाइथिन में नहीं होगा ठीक है तो इसलिए बेस्ट आंसर होगा इनुलिन और इंसुलिन ठीक है तो बहुत से बच्चे एक बच्चा मुझे मैसेज करता है, सर मैं ये गड़बड़ कर दिया लेकिन ये सिंपल था हल्का सा दिमाग लगाना था

Which of the following statements about inclusion bodies is incorrect? Inclusion bodies बॉडीज में नहीं, नहीं दे रखी है लेकिन हमने पढ़ाई थी ये खाने को स्टोर करती हैं है ना uh, मतलब ये रिप्रेजेंट रिजर्व फूड material वेरी ट्रू दे आर नॉट बाउंड by एनी membrane. नॉन लिविंग होती है और इसमें कोई membrane नहीं होती दीज आर involved इन इंजेक्शन ऑफ फूड इंजेक्शन ऑफ फूड कौन करते हैं <coughs> Lysosomes है ना और वैक्यूल्स ये नहीं दे लाइव फ्रीली इन the cytoplasm ट्रू

वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया है लेकिन सबसे ज्यादा अमेज़न है मेडागास्कर नहीं है और हिमालयास भी बायोडाइवर्सिटी हॉस्पिटल है लेकिन सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अमेज़नियन रेन फॉरेस्ट की है ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर क्योंकि ये कहाँ पड़ते हैं ये इक्वेटर के बिल्कुल पास में पड़ते हैं ट्रॉपिकल है तो ज्यादा डाइवर्सिटी है हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट similar except इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड वैसे तो उन्होंने कैरेक्टर्स पढ़े थे तो सेवन कैरेक्टर्स में दो फॉर्म्स होती थी एक तो dominant, pure dominant, एक pure recessive. तो डोमिनेंट, डोमिनेंट, प्योर प्योर रिसेसिव, सेवन इंटू टू फोर्टीन फोर्टीन इज द बेस्ट आंसर ये मुझे लगता है जेनेटिक्स का सबसे सिंपल क्वेश्चन राइट नाउ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड थर्टी वन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी ठीक है right? Now, Fetus some from It is an for Fetus को कौन कौन सी मिलती है मदर मिल्क से मिलती है आईजीए और प्लेसेंटा से क्रॉस होती है आईजीजी। तो ये ट्रू है व्हेन एक्सपोज्ड टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूसड इन दी होस्ट बॉडी इट इज कॉल एक्टिव इम्यूनिटी हाँ लेकिन इसमें बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है एंटीबॉडी बनानी पड़ती जबकि पैसिव में ये फटाफट हो जाती है और ये रेडीमेड फॉर्म में एंटीबॉडीज uh, मिल जाती हैं वेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल पैसिव इम्यूनिटी या तो मदर से बच्चे को मिल गई वो तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है या किसी का लोहा से कट गया या गिर गया तो हम एंटी टेटनस सेरम लगाते हैं ना ए टी एस उसमें भी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं ठीक है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक नहीं एक्टिव इम्यूनिटी क्विक नहीं होती बॉडी को मेहनत करके एंटीबॉडीज बनानी पड़ती हैं एंड गिव फुल रिस्पॉन्स तो ये फॉल्स है ठीक है तो इसमें आपका आंसर हो गया फोर्थ वन Now, 132. के 45 थोड़े लंबे थे ये बाद वाले इतने लंबे नहीं है विच ऑफ दॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अशन मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट यह है मतलब बर्थ रेट सेक्स रेशो यह भी है किसी पॉपुलेशन में मेल फीमेल का रेशो क्या है लेकिन स्पीशीज इंटरेक्शन नहीं है इसमें क्या आते हैं पैरासिटिज्म कंपटीशन तो एट्रीब्यूट में वो सब हैं डेथ रेट बर्थ रेट इमिग्रेशन एमिग्रेशन सेक्स रेशो। लेकिन स्पीशीज इंटरेक्शन नो नो। क्वेश्चन नंबर 133 चूज दी करेक्ट पेयर फ्रॉम दी फॉलोइंग एक्सोन्यूक्लियस करेक्ट पूछना मेक मेक कटसेट स्पेसिफिक पॉइंट एक्सोन्यूक्लियस नहीं वो बाहर से एक्ट करता है ठीक है फॉल्स टू डी एन ए मॉलिक्यूल वेरी ट्रू पॉलीमरेजेज ब्रेक्स दी एन ए इमेंट्स पॉलीमरेज ब्रेक्स दी एन ए इंटू फ्रेगमेंट्स नहीं न्यूक्लियपरेट दू स्टैंड ऑफ डीएनए बिल्कुल नहीं वो हैलीकेस करता है तो हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वन राइट नाउ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड थर्टी फोर्थ प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फेसिलिटेटिंग दॉस ऑफ वॉटर इन लिक्विड एंड अर्ली मॉर्निंग कर रहा है बात गटेशन की गट्टेशन में क्या होता है लीव की टिप्स पर यहां पर जो पोर्स होते हैं इनको कहते हैं हाइडाथोड्स और ये सिर्फ दो मीटर लंबे तक लीव्स में हो सकता है और ये किसके कारण होता है रूट प्रेशर के कारण प्लास्मोलिसिस ट्रांसपिरेशन होता है ट्रांसपिरेशन पुल के लिए लंबे ट्रीज में तो वो नहीं रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और तो अलग चीज होती है तो बेस्ट आपको बताई थी ना रूट प्रेशर थ्योरी तो ये आ गया, और अब आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ नॉट एन इनिबिट्री सब्सटेंस गवर्निंग सी डॉमेसी इनिबिट्री भाई

और मैं आपको पेपर एनालिसिस पांच मिनट में करके बताऊंगा और मैंने सारे फैकल्टीज से आज बात कर ली है और एक कट ऑफ का मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी जस्ट आई रिक्वायर मोर फाइव मिनट्स राइट तो वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टूडेंट्स वेलकम बैक और अभी फटाफट में तीन मिनट में पेपर डिस्कस करूंगा मैंने ब्रेक इसलिए लिया था मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बाकी सारे टीचर्स से डिस्कस किया कि कट ऑफ कैसी जानी चाहिए ठीक है है तो देखिए ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख छोड़ा है, नीट 2020 पेपर एनालिसिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक ही क्वेश्चन आया था आताइड्स वाला प्लांट किंगडम से तीन थे एनिमल किंगडम से चार थे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट से टू थे एनाटमी से टू थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से थ्री थे जिसमें से कॉकरोच वाला क्वेश्चन था टिश्यूज वाले थे सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन से सिक्स क्वेश्चन थे बायो से थे प्लांट फिजियोलॉजी से नाइन थे हर बार पांच बढ़ गए है ना गएलॉजी से एनिमल फिजियोलॉजी थर्टी ही है हर बार बाईस आते हैं तो एन ने सोचा होगा कि एमबीबीएस में एनिमल फिजियोलॉजी तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे तो एनिमल फिजियोलॉजी कम कर दी अच्छा ये वैसे क्योंकि और जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ज्यादा डेप्थ से नहीं आए थे कंसेप्चुअल थे और कुछ कुछ तो बिल्कुल सीधे थे तो बहुत ज्यादा मारा मारी नहीं थी सोचो सेवन चैप्टर्स हैं सेवन में से थर्टीन ही आए हैं तो दो का भी एवरेज नहीं रखा है इस बार नहीं तो तीन तीन इक्कीस बाईस क्वेश्चन आते थे इससे प्लांट रिप्रोडक्शन से थ्री है एज यूजुअल एनिमल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मिलाकर फाइव है ये भी एक अच्छा वेटेज है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से फोर्टीन क्वेश्चन आए हैं और इवोल्यूशन से फोर हैं और जेनेटिक्स और मॉलिकल बायोलॉजी से दस हैं इसमें से तो मैं तो आपसे पहले ही कहता था कि ये एक चैप्टर में से मतलब जेनेटिक्स और मोलिकल बायोलॉजी में से दस क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका वेटेज ज्यादा है और एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी से फोर्टीन क्वेश्चन आए हैं जिसमें से माइक्रोब्स स्ट्रैटेजीज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो आजकल थोड़ा एंटी का पता है कि रटी रटाई चीजें नहीं पूछनी है थोड़ा सा इंटरेक्टिव चीजें पूछनी है राइट नाउ इकोलॉजी से आठ क्वेश्चन है बारह से आठ इकोलॉजी का वेटेज जो है वो गिर के आठ हो गया लेकिन ये एक तो प्लांट फिजियोलॉजी बढ़ गई है आपकी और बाकी तो सब ठीक ही हैं, और जेनेटिक्स एवोल्यूशन और ये मेजर इस बार पूछा गया है ठीक है तो इस पर आपको फोकस करना है और जो बच्चे 2021 में दे रहे हैं अच्छा इस बार जो पेपर था ना वो ऐसा नहीं था कि सीधी रखी चीज को पूछ दिया ऐसा पेपर नहीं आया थोड़ा कंसेप्चुअल आया बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस में से लगभग 80 से 82 क्वेश्चंस जो हैं वो कंसेप्चुअल हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन बहुत कम हैं कि जैसे वो वॉन बेयर की थ्योरी पूछ ली हाइलम पूछ लिया ऐसे 8-10 ही क्वेश्चन है बच्चे दे, देखना ठीक से पेपर में ना कंसेप्चुअल ज्यादा है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है है ना और अब ये बॉटनी और जोलॉजी क्लास इलेवेंथ के सिलेबस से ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन है मतलब टोटल फोर्टी सिक्स राइट तो यहाँ पर आपके फोर्टी सिक्स हो गए और ये बॉटनी में मैंने बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी में इंक्लूड की है क्योंकि हम इसे पंद्रह साल से इसको बायोटेक में ही पढ़ा रहे हैं टू थाउजेंड एट से ना और ये जोलॉजी से 14 है तो इस तरीके से ये हो गए आपके फोर्टी फोर क्वेश्चन तो ये मिलकर नाइन्टी मतलब इस तरह का वेटेज आया है तो अगर आप बायोटेक के क्वेश्चन इसमें कर देते हो तो फिर वो इक्वल वैसे तो लगभग बॉटनी जोलॉजी का वेटेज लगभग लगभग एक ही है अगर बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए लेकिन जो पेपर था वो अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा था सॉलिड जो एनसीईआरटी के बाहर था वो इंक्लूजन बॉडीज वाला था लेकिन वो मेरे हमारे लेक्चर्स में था इस बार मुझे ये खुशी हुई है कि 2019 और 2020 ये दो साल 2020 दोनों साल में एक भी क्वेश्चन मेरी कॉपी से बाहर नहीं गया अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं या मेरी लाइव क्लासेस करते हैं तो मेरे नोट्स में से बाहर नहीं गया और जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज बनाए हुए हैं जो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं उससे बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर नेचर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं है ना तो क्योंकि सी आई ऑल्सो बिलीव इन मेकिंग द्वेश्चन फ्रॉम दी एनसीआर है ना कुछ ऑप्शंस थे आज के पेपर में जो घुमा के थे और एनसीईआरटी से बाहर थे ऑप्शन लेकिन जो करेक्ट आंसर था वो लगभग एनसीईआरटी में प्रेजेंट था एक्चुअली पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होना चाहिए लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी टफ है घुमा फिरा के है कि आपको समझ में नहीं आता तो इसलिए तो हम हैं है ना तो और सब टीचर से बात करने पर ये देखो हमारा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि हम 100% सही होंगे लेकिन सब ने आपस में बात करके ये डिसाइड किया है कि जो कट ऑफ रहनी चाहिए इस बार दैट शुड बी फ्रॉम 595 टू 605 क्योंकि पेपर जो है वो लास्ट ईयर से 15 से 20 परसेंट ईजी है फिजिक्स भी ईजी था जनरली एक पेपर को टफ रखते हैं ताकि कट ऑफ डिटरमाइन आसानी से हो लेकिन मेरे हिसाब से भाई मेरे हिसाब से ये लिमिट है ये लिमिट है कट ऑफ की इतनी कट ऑफ जानी चाहिए पिछले साल 580 गई थी जनरल की कट ऑफ ना तो उसी से मैंने हम लोगों ने बात करके क्या किया है आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ठीक है बाकी हम स्ट्रेटजीज प्लान करेंगे और आपका सिलेक्शन होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी आई हैव हॉबी ऑफ काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स आपको सही मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा तो आई विल गाइड यू इन दैट ठीक है सो बेटा ऑल दी बेस्ट मुझे भी घर जाने की जल्दी है रात हो चुकी है साढ़े नौ बज चुके हैं एंड यू नो कीप स्टार्टिंग एंड ऑल दी बेस्ट दैट यू ऑल गेट अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज सो स्टूडेंट्स बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू